हेलो फ्रेंड, तो बताइए आप लोग कैसे हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब जन अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कुछ खास है जो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। वो रिक्वेस्टेड वीडियो तो नहीं है, मैं अपनी मन से दिखा रही हूँ आप लोग को। मेरा गला का जो मंगलसूत्र है उसका कलेक्शन दिखा रही हूँ, जो कि वो नेपाल से है। तो मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोग को एक एक करके। ज़्यादा नहीं है, दो तीन ही है, इसी में है, मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आप लोगों को शुरुआत करती हूँ इससे। तो देखिए, जो गोल्ड है ये भी नेपाल का है, ये जो क्रिस्टल में लगा हुआ है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चमक है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, रेड कलर में अच्छा लग रहा है। और मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोग को ये, देखिए ये मेरा डेली वेयर मंगलसूत्र है, ये है नेपाल का। तो इसे हम लोग कहते हैं तिलहरी। देखिए इसका डिजाइन कांटा जैसे बना रहता है, देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ये पूरा लाइट वेट में है, इसमें भी देखिए जो क्रिस्टल का लाइटिंग है बहुत सुंदर होता है। मेरी फ्रेंड, ये जो क्रिस्टल का माला जो मैं मंगाती हूँ, अधिकतर नेपाल से मंगाती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग होता है। फ्रेंड देखिए, ये रहा मेरे डेली वेयर के लिए, बहुत अच्छा है। और एक इसी तरह है, वो भी छोटा सा है, ये रहा देखिए, सेम वही है। इसमें वाइट और गोल्डन कलर का देखिए लगा है, ये भी उसी तरह का है सेम। इसे हम लोग तिलहरी कहते हैं, छोटा सा तिलहरी है। देखिए ये जो लगा है, इसे हम लोग कहते हैं पोते, नेपाली में कहते हैं पोते, जो कि बहुत सुंदर है। ये सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए ऐसे करके लगाया जाता है। ये रहा, यहाँ से होता है, देखिए यहाँ तक। जो मैं ये ग्रीन कलर का डाली हूँ गला में, देखिए ये भी पोते है ग्रीन कलर का, ये भी बहुत सुंदर है। इसमें लाइटिंग बहुत है। और ये दिखाने जा रही हूँ, ये तो चेन है, गोल्ड का चेन, इसमें एक लॉकेट लगा हुआ है। ये गया, आप मैं दिखा रही हूँ, ये है बड़ा तिलहरी। देखिए ये भी उसी तरह है, कांटा जैसे दिख रहा है, ये रेड में है। फ्रेंड ये हम लोग का नेपाली में शादी में आता है लड़का का घर से, ये ग्रीन कलर का भी होता है। हम लोग का शादी में जैसे यहाँ पर मंगलसूत्र जैसे होता है शादी में कंपलसरी, हम लोग नेपाली में ये पोते में लगा हुआ, अगर ये नहीं भी लगा होने से भी होगा, ये प्लेन में भी होगा, ये प्लेन लगाने से भी होगा शादी में, कोई ज़रूरी नहीं कि ये हो, पर ये हमारा खास है शादी में, ये पूरा हम लोग को चाहिए। देखिए इतना इतना सुंदर लग रहा है। और ये है मीडियम साइज में है, ये जो तिलहरी हम लोग बोलते हैं ये मीडियम साइज में है, ये रेड में ग्रीन में, खास करके शादी का टाइम में हम लोग को चाहिए। ये जो इसको हम लोग पोते बोलते हैं, पोते में ये तिलहरी ग्रीन या रेड में अच्छा लगता है, जो कि हम लोग शादी का टाइम में एकदम कंपलसरी है। अगर ये नहीं होने से भी प्लेन, ये जो हम लोग का पोते होता है ना, ये भी चलेगा, और ये नहीं होने से ये भी चलेगा, लेकिन हम लोग का कंपलसरी चाहिए ये शादी में। तो देखिए कैसा है बताएंगे। और मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए ये बहुत मस्त है, इसे हम लोग कहते हैं जंतर।
देखिए फ्रेंड, ये सब 24 कैरेट में बना हुआ है, इसलिए इसका कलर पूरा येलो दिख रहा है। नेपाल का गोल्ड है। देखिए जैसे कि मैंने कहा पहले भी, वहाँ का क्रिस्टल जो है उसमें लाइटिंग कुछ अलग सा होता है। देखिए बहुत सारा लाइटिंग है। ये भी देखिए यहाँ तक आएगा, ये यहाँ पर इसका दिया गया है हुक। ये हुआ जंतर, कितना सुंदर है ना। आप लोगों को भी अगर चाहिए तो आप लोग एक बार जरूर नेपाल में टूर कीजिए और वहाँ का ये सामान सब लेके आके यूज कर सकते हो, आप लोग भी लगा सकते हो। और एक चीज दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत स्पेशल है और खास है, वो है चांद उठा बादल में। ये देखिए चांद, इसे हम लोग कहते हैं जून तारा। मतलब जून मतलब चांद, तारा मतलब तो पता है तारा, तो हम लोग कहते हैं इसे जून क्लिप। जून क्लिप यानी कि चांद वाला क्लिप। देखिए इसमें स्टोन लगा हुआ है, देखिए यहाँ से दिखाती हूँ। ये जून क्लिप इसे कहते हैं। इसे हम लोग कैसे लगाते हैं बता रही हूँ। खोपा में लगा सकते हैं, साइड में लगा सकते हैं, जब शादी होता है लड़की का तो वो लोग को भी ये दिया जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, कहाँ गया इसका हुक। देखिए ऐसे कर लगाया जाता है, देखिए कितना सुंदर लगता है। तो हम लोग बोलते हैं इसको जून क्लिप, यानी कि चंद्रमा चांद, हाफ चांद है जो ऊपर में है, तारा है। मेरे को तो ये बहुत सुंदर लगता है। मैं कोई भी ओकेशन हो, शिवरात्रि हो, तीज हो, कुछ भी हो या शादी पार्टी में जाती हूँ तो ये लगाती हूँ। आप लोग इसे यहाँ खोपा करके भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। किसी साइड में भी लगाइए। हमारे यहाँ नेपाल में सभी के जो लेडीज है उनके पास ये रहता है, ज्वेलरी में ये जरूर रहता है। जो इंडिया में है, जो बिलोंग करती है नेपाल से, उन लोग के पास भी ये रहता है। तो देखिए कितना सुंदर लगता है ना, बहुत सुंदर है। मेरा ज़्यादा तो ज्वेलरी नहीं है, गला का सिर्फ इतना ही था। और एक ये है मंगलसूत्र, ये है काला, उसमें काला मोती में। देखिए इसका डिजाइन पूरा क्लियर तो दिख रहा है, इस तरह का है। ये भी मैंने डेली वेयर के लिए ही लिया है, जो कि मैं इसे डेली वेयर करती हूँ। और एक है पूरा सिंपल में, देखिए इसे ये मोती जो है, मोती का माला, गोल्ड नहीं है, इसे क्या कहते हैं राइस बीट्स, ये जो थोड़ा लंबा लंबा है। तो मेरा ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही था गला का जो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। नेक्स्ट टाइम में मैं पार्ट टू करूँगी, ठीक है, तो तब मैं आपको दिखाऊँगी और जो मेरा झुमका चूड़ी वो सब दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैंने आप लोग को नेपाल का ये जो मंगलसूत्र कलेक्शन था वो मैंने दिखाया। तो फ्रेंड आप लोग को कैसा लगा जरूर बताएंगे। ये देखिए छोटा सा है, बहुत सुंदर है ये। तो फ्रेंड आप लोग को मेरा मंगलसूत्र कलेक्शन कैसा लगा जरूर बताएंगे। और देखिए गर्मी बहुत है यहाँ भुवनेश्वर में, बहुत मतलब इतना गर्म पड़ा है कि मैंने फैन भी बंद करके रखा है, ऊपर से साड़ी देखिए लगाया है। और फ्रेंड आवाज़ सुनाई नहीं देगा बोल के मैंने फैन भी बंद किया है। और तो ठीक है फ्रेंड, मैं रख रही हूँ, आप लोग को मेरा ये कलेक्शन कैसा लगा जरूर बताएंगे। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
और एक लाइक तो बनता है, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। तो अभी मैं यहीं रखती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पर, ठीक है।